वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें वरना हरिद्वार दर्शन हो जाएगा। भाई ऑटो वाले, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज है संडे, मैं जा रहा हूँ द्वारका यार किसी काम से, एंड फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज चुके हैं और बस मैं नहा धो के निकल गया था। और यार अभी पिछले 3-4 दिनों से बहुत बारिश हो रही थी, इनफैक्ट कल भी बहुत बारिश हुई है, बट आज थोड़ा सा जाके मतलब धूप निकली हुई है, आप देख सकते हैं। तो यार बारिश मतलब इतनी हुई थी कि भाई परेशान हो गए थे यार बारिश से, मतलब लगातार 24 घंटे से भी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और बाकी आज संडे है तो यार फटाफट पहुँच जाएंगे अपन, पहुँच जाना चाहिए होपफुली, बिकॉज ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है आज, एंड बाकी लेट्स ही कैसा क्या रहता है। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूं द्वारका और रास्ते में यार बारिश काफ़ी मिली थी, आप देख ही सकते हो गाड़ी थोड़ी सी गंदी भी हो रही है। और मैंने एक ले ली थी डाइट कोक, तो मैंने सोचा थोड़ा बारिश में एंजॉय करते हुए जाता हूं। और ये देखो यार, इधर से गाड़ी काफ़ी गीली हो रही है, एंड अभी भी देखो यार यहाँ पे मतलब अभी तो थोड़ा सा धूप आ गई है, बट अभी अभी बारिश रुकी है जस्ट अभी ना, तो यहाँ पर सारे में गीला हो रहा है सारे में, बट धूप आ चुकी है अभी। तो चलो अभी चलते हैं अंदर और गाड़ी कर दी है पार्क और चलते हैं और फिर अपना काम निपटाते हैं जिस काम के लिए आए हैं। और फिर सो गाइस, इस ऑटो पे देखो कितनी अच्छी चीज़ लिखी है, वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें वरना हरिद्वार दर्शन हो जाएगा। भाई ऑटो वाले भी ना यार कभी कभी बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं, बात तो सही है यार वैसे। तो आप में से जितने लोग एग्री करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिंग करके मेरे को ज़रूर बताएं। सो गाइस, द्वारका से तो मैं निकल गया था यार 7 बजे के अराउंड निकल गया था, अभी यार मैं महिपालपुरी पहुँचा हूँ। मतलब आप समझ सकते हो द्वारका से महिपालपुर आने में देखो 1 घंटा लग गया भाई, इतना ट्रैफिक यार पूरे, मतलब मेन जो द्वारका का अपना है ना ऐसे सेक्टर 3 और अपना DPS वगैरह होते हुए, वहाँ से तो मतलब बहुत सारी रेड लाइट पड़ती हैं, तो वहाँ से गूगल मैप्स दिखा भी नहीं रहा था अपना पीछे यशो भूमि के यहाँ से, क्योंकि पूरा अपना रेड लाइट फ्री है, जो UER 1 है यहाँ से दिखा रहा था। बट यार यहाँ मतलब वहाँ उस रोड पे भी जाम था कापासडा रेड लाइट के बाद में, बट यहाँ के तो भाई इतना बुरा हाल है कि पूछो मत, मतलब दूसरे गियर से ज़्यादा गाड़ी चली नहीं पा रही यार। सो गाइस, नोएडा तो पहुंच चुके हैं, बाकी टाइम हो रहा है 8:50। ट्रैफिक में आज बहुत टाइम ख़राब हो गया यार द्वारका में, एंड बाकी बस अभी पहुंचते हैं। CNG भी अपन ने भरवा ली थी, ये देखो भाई चारों लाइटें जल गई हैं, एंड बाकी अभी तो स्मूथ ट्रैफिक है एज सच, बिकॉज आई डोंट नो पता नहीं किस वजह से वहाँ कोई गाड़ी भी ख़राब नहीं थी, कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों ट्रैफिक हो रहा था। गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और फिलहाल टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं और यार बहुत थक गया है बिकॉज ट्रैफिक भी बहुत था और दिन भर से मतलब जिस काम के लिए मैं गया था वो काम भी मतलब ये तो नहीं कहूँगा नहीं हुआ, बट हाँ मतलब हुआ भी नहीं, तो ऑल इन ऑल मतलब काफ़ी टायरिंग डे था। प्लस यार ट्रैफिक जब मिलता ना जाते टाइम पर उनको ज़्यादा नहीं मिला था, ज़्यादा क्या मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही था आते टाइम तो संडे के हिसाब से, बट आते टाइम तो भाई इतना गंदा ट्रैफिक, इतना गंदा ट्रैफिक पूछो मतलब बुरी हालत हो गई यार। तो बाकी चलो गाइस, करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।